more delicious recipes, subscribe Sara's Kitchen. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मेरे किचन में आपके लिए है ईद के लिए, बकरा ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जो काम हमने पहले करना है वो देखते हैं चल के। यहाँ मैंने मटन लिया है, 1 kg मैंने मटन लिया है। आप बीफ से भी बना सकते हैं लेकिन मैं मटन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ तो मैं इसमें मटन का इस्तेमाल करूँगी। तो अब इसमें जो बाकी चीज़ें हमने ऐड करनी है, नमक जाएगा इसमें 1 teaspoon, कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी 1 teaspoon, कुटी हुई डालनी है आपने, अगर ना हो तो पीसी हुई डाल लें, वैसे कुटी हुई डालेंगे। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 teaspoon, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 teaspoon भर के इसमें जाएगा। आप इसमें काली मिर्च जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने जैसे 1 teaspoon डाली है आप इसमें 1 tablespoon भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें जाएगी 1 tablespoon, दही इसमें जाएगा तकरीबन 5 tablespoon के करीब दही जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मटन के अंदर हमने मिक्स कर लिए और इनको मिक्स करके हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। मटन को हम कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं 1/2 liter पानी ऐड करूँगी और इस पानी को मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। पानी हमारा गर्म हो रहा है तो इतनी देर में आपको ये चीज़ें बता दूँ। 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, तकरीबन मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर, अगर आपकी ज़्यादा तेज़ हैं तो 4 भी ले लें। और यहाँ काजू लिए हैं मैंने, तकरीबन ये 20 काजू हैं। और ये तमाम चीज़ें हम पानी गर्म होगा तो उसमें ऐड करेंगे। प्याज को मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है तो पानी यहाँ पे गर्म हो गया है। तमाम चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी, प्याज की, काजू और हरी मिर्चें, और इसको मैं 10-12 मिनट तक पका लूँगी, फिर मैं इसको बाहर निकालूँगी। तो 10-12 मिनट के बाद ये देखें इस तरह पक चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसमें से ये प्याज काजू वगैरह सब कुछ बाहर निकाल लूँगी। छलनी के साथ भी आप छान सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकाल के इसका मैं एक पेस्ट रेडी करूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़े तो डाल लें और अच्छी सी एक पेस्ट रेडी कर लें। और ये जो बाकी पानी है इसको हमने नहीं फेंकना क्योंकि इसी में हमने मटन को गलाना भी है। अब यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने 3/4 cup ऑयल का ऐड किया है। मटन को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, अब इसमें मैं मटन ऐड करूँगी जो मैरिनेशन करके रखी थी। अब हमने गोश्त की खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, बहुत अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे, इसका कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा और भुनाई भी अच्छी सी हमने करनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखें 7 से 8 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें मैं ये जो पेस्ट मैंने आपको बताया था प्याज काजू और हरी मिर्च का, ये पेस्ट इसमें डाल देंगे सारा। साथ ही इसमें ये जो पानी बचा हुआ था जिसमें हमने ये प्याज वगैरह बॉईल किया था, ये पानी मैं इसमें सारा डाल दूंगी। तकरीबन ये 1.25 glass पानी का है। तो मैंने क्योंकि इसको प्रेशर कुकर लगाना है, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर नहीं लगा रहे तो आप इसमें 2 glass डाल लें और फिर इसको आपने 1 घंटा हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। मैं इसको प्रेशर कुकर लगा रही हूँ तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाऊंगी। अब यहाँ मैंने तकरीबन 12 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोल दिया था और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले के साथ। अब मज़ीद 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमारी कढ़ाई जो है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, मटन वाइट कढ़ाई। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, 1/2 teaspoon, साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 tablespoon क्रीम के ऐड करने हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और बस आंच को हम बंद कर देंगे, धनिया भी साथ ही ऐड कर देंगे और इसकी आंच को बंद करके मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मटन वाइट कढ़ाई बनके तैयार है, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।